हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मैथ समाधान। समाधान का मतलब होता है फुल सॉल्यूशन। मैं अभिषेक कुमार आप सबके लिए लेकर आया हूँ कॉम्पिटेटिव मैथ्स के कठिन से कठिन सवालों का आसान सॉल्यूशन। आसान सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इस क्लास में हम आगे बढ़े, इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे होने वाली सारी क्लासेस में क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, यहाँ पे होने वाली सारी क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे हर एक अंडरस्टैंडिंग सेशन के बाद, जैसे कि मैंने कुछ बताया, थ्योरी बताया, उस अंडरस्टैंडिंग सेशन के बाद एक सीरीज चलेगा जिसमें कि मैं एक कोई बुक मेंशन करूँगा, जैसे कि आर एस अग्रवाल हो गया या फिर HD यादव, शबीर अहमद, ETC। तो उसकी उस बुक की पूरी सॉल्यूशन को लेकर मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको मैथ से डर लगता है तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब आपको मैथ से प्यार होने वाला है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। मेरा मार्कर कौन सा है? ये रहा। अब हम इस क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम समझेंगे परसेंटेज क्या है। हम इस क्लास, ये हमारी पहली क्लास है और हम परसेंटेज से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। परसेंटेज भी आपको जीरो से समझ में आएगा। हम पॉइंट पॉइंट से जीरो से लेके चलेंगे और हीरो तक लेके पहुँचेंगे। मतलब स्टार्ट करेंगे पॉइंट से, मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे और अपने क्वेश्चंस तक पहुँचेंगे, और उसे भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि तब तक हमारा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रतिशतता। हम जानते हैं कि हम प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन ये हम प्रतिशतता क्यों लिखते हैं? सबसे बड़ी बात है इसको समझना। मैंने वैसे लिखा है कि परसेंटेज क्या है, मतलब प्रतिशत परसेंट क्या है, प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो प्रतिशतता को सबसे पहले समझते हैं। प्रतिशतता का मतलब होता है किसी भी संख्या का कंपैरिजन, जब हम 100 से करते हैं, किसी भी संख्या का तुलना, किसी भी संख्या की तुलना अगर हम 100 से करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिशत क्या है सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, उसके बाद सेकेंड नंबर पर समझेंगे इस संख्याओं के साथ इसका क्या संबंध होता है, मतलब प्रतिशत का संख्याओं के साथ क्या संबंध होता है, इस चीज को समझेंगे। और तीसरी बात, शब्दावली के साथ इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। अब हम जब शब्दावली के साथ इसका उपयोग करने के लिए सीख जाएंगे, इसका मतलब है कि हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए सीख चुके हैं। तीसरी बात, क्वेश्चन को समीकरण में कैसे बदलना। काफी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा पल होता है जब कोई लिटरेचर हमारे सामने में हो और उसका सॉल्यूशन, उसको हम समीकरण में ना बदल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले तो समझेंगे प्रतिशत क्या है, सेकेंड नंबर पे संख्याओं के साथ उसका संबंध क्या है, और तीसरे नंबर पे शब्दावली के साथ इसका उपयोग क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें ऐड किया है, क्वेश्चन को समीकरण में किस प्रकार से बदलें। ठीक है, हम कुछ भी समझें उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने माइंड में एक्सेस करने के लिए उसको अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके साथ किसी भी प्रकार का खेल खेल सकते हैं। ठीक है, खेल खेलने का मतलब है कि उसको हम शब्दावली के साथ भी उपयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन के को समीकरण में भी बदल सकते हैं, ETC। ओके, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशतता क्या है या फिर प्रतिशत क्या है, परसेंटेज। तो जब हम किसी संख्या की तुलना 100 के साथ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। मान लेते हैं कि प्रतिशत क्या है, मान लिया कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 20। मैंने एक संख्या लिया, वो क्या है? 20 है, 20 है।
इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे, 100 के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या, कहां 20 कहां 100 तुलना हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे तुलना कैसे होगा देखा जाए, तो 20 की तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 20 क्या है, 100 है, ठीक है, मान लेते हैं 20 क्या है, 100 है। जब 20 100 है तो 50 क्या हो जाएगा, इसका आधा 10 हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कर लेते हैं इसको 12.5 क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा 2.5। समझ रहे हैं, जब हम इस चीज की तुलना 100 के साथ कर रहे हैं, माना कि 20 बराबर 100 तो 10 बराबर 50, इसीलिए 5 बराबर 25 और इसीलिए 2.5 बराबर 12.5। क्लियर है। तो हम हर बार किसी भी संख्या की तुलना किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो वही मेरी क्या कहता हूँ, वही उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता तो कहते हैं भाई, अब परसेंट, प्रतिशत क्या है, परसेंट क्या है, ठीक है, प्रतिशत क्या है, सेम वही चीज़ है। इसका इसे इसका तुलना हम किसके साथ किए, 100 के साथ किए, इसका तुलना किसके साथ किए, 50 के साथ किए, इसका तुलना किसके साथ, 25 के साथ। क्यों हुआ, क्योंकि हम मान चुके थे कि 20 बराबर क्या, 100, ठीक है। और ये 5-10 किससे निकला, इसी 20 से निकला, ये 20 का आधा है तो ये 100 का आधा 50, ठीक है, 10 का आधा 5 तो 50 का आधा 25, समझ आ रही ना। तो ये यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं उसकी तुलना किसके साथ हुई है, नॉट 12.5, नॉट 25, नॉट 50, इन सब की तुलना किसके साथ हो रही है, 100 के साथ हो रही है। समझ आ रही बात, यहाँ पे अगर समझ में ना भी आए तो हम आगे इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। अगले में हम ये देखते हैं कि प्रतिशत की तुलना हम कैसे करते हैं, 20 है, 25 है, 50 है, यहां तक कि 100 क्यों ना ही, 125 क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये सभी संख्या हम सारी संख्या की तुलना हम 100 से ही करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो 20 की तुलना भी किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, 25 की तुलना भी 100 के साथ, और 50 की तुलना भी 100 के साथ, 100 की तुलना भी 100 के साथ, और 125 की तुलना भी 100 के साथ। मतलब यहाँ जितनी भी संख्या है सब की तुलना हम 100 से के साथ करेंगे। इसीलिए जब हम किसी भी चीज़ की तुलना हम 100 से करने लग जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अब हम ये निकालना है कि अगर 20 की तुलना हम 100 से कर दिए, मतलब 20 अपने आप में ही 100% 100% है, 25 की तुलना हम 100 से कर रहे हैं, मतलब 25 अपने आप में ही 100% है, 50 की तुलना हम 100 से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 50 अपने आप में ही 100% है, 100 की तुलना हम 100 से कर रहे हैं, इसका मतलब 100 अपने आप में ही क्या है, 100% है, 125 की तुलना हम 100 से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 125 अपने आप में 100% है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, इसके साथ कुछ कुश्ती लड़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितने पानी में है, ठीक है। अब संख्याओं के साथ इसका क्या संबंध है, हम तो समझ गए प्रतिशतता क्या है, पूरी तरीके से समझ चुके हैं, अब हमें यह समझना है कि संख्याओं के साथ इसका क्या संबंध है, क्यों हम संख्या के साथ इसको रिलेट करते हैं। हम रिलेट करते हैं क्योंकि क्योंकि आगे देखेंगे, जैसे कि माना कि कोई संख्या है 50, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, प्रतिशत का चिन्ह ये है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, क्यों है। या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी संख्या अपने आप में एक है, ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या है, एक है, यही संख्या अपने आप में एक भी है और यही संख्या अपने आप में 100 भी है, 100% है, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, जैसे कि 50 है, अगर 50 का 100% हम निकालते हैं, का
100% हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, 50 का मतलब गुना परसेंट 100। अब प्रतिशत का नाम बिल्कुल हम अब उसी अनुसार रखेंगे, प्रतिशत, ठीक है। इसकी तुलना हम 100 से करने जा रहे हैं, 100% है ना, तो प्रति का मतलब होता है बटे, शत का मतलब होता है 100, जहां भी प्रतिशत दिखे बटे 100, बटे 100, कोई दिक्कत? तो अगर हम इसको कटाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है मेरे पास? 50 आता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी संख्या अपने आप में क्या है? 100% है। अब आपको बताना ये है कि क्या 50, 25 अपने आप में 100% है? चेक कर लो, अगर इसका 100% हम निकाल लेते हैं, रिजल्ट अगर 25 ही आ गया तो मतलब ये संख्या अपने आप में ही 100%। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि दुनिया में कोई भी संख्या क्यों ना हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो क्या होगा? अपने आप में ही क्या होगा? 100% होगा, 100% होगा। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं क्या 25 अपने आप में 100% है, तो 25 का 100% निकालो, 25 का 100% निकालो। अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैंने इसे लगाया नहीं था सही से। तो क्या करें, 25 का 100% निकालो, क्या होगा? 25 गुना 100 बाय 100, 100 100 गॉन, क्या आ जाएगा ये 25। यहां क्या था? 25, 25 का 100% क्या होगा? 25 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम और आसान करने की कोशिश करते हैं इसी के साथ। जैसे कि हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम 48, ठीक है, 48 अपने आप में क्या होगा? 100% होगा, होगा या नहीं होगा? अगर इस 48 का हम 50% निकालने के लिए कहा जाए, चलो 48 का क्या निकालो? 50% निकालो, ठीक है, सिंपल सा। जैसे कि हम किसी भी संख्या का 100% निकाल रहे थे, उसी तरह हम 48 का क्या करेंगे, 48 का क्या करेंगे, हम 50% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 48 का मतलब गुना 50%, मतलब 50/100, क्या होगा ये? कितने बार में कटेगा? दो बार में। ये कितने बार में? 24 बार में। यहाँ क्या आ गया? 24। यहाँ पे कुछ दिखाई दिया क्या? जब हम 100 से आधा करके 50 किए तो ये 48 से आधा होके क्या हो गया? 24 हो गया। इसका मतलब, इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? संख्या से है। अब देखते हैं इसको डायरेक्ट रिजॉल्व करते हैं। जब हम 100 का आधा हम 50% का पता करते हैं तो कुछ क्या करना है? सिंपल सा, हम उस संख्या का आधा कर देना है, तो संख्या कितना है? 48, इसको हम कर देंगे 24। प्रॉब्लम? अगर हम 50 का भी आधा करना चाहें, 50% का भी आधा करना चाहें, मतलब 25% करना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अगर हम इसका भी आधा करना चाहें, इसका ठीक है, इसका आधा करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये 12.5%। तो इसका 12.5% का आंसर क्या निकलेगा? 6। 48 का 50% कितना होगा? 24। 48 का 25% क्या होगा? 12। 48 का 12.5% क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम इसका अनुप्रयोग सीख रहे हैं, ये संख्या के साथ इसका क्या संबंध है, साथ में इसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं शब्दावली के साथ। जैसे कि मान लेते हैं वो एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है? 50। 50 पूछा गया हमसे कि 50 का 4% क्या होगा? क्या होगा? इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, जो कि बहुत ही आसान है, 50
का मतलब गुना, 4% मतलब 4/x, 4%, 4% मतलब बटे, 7 मतलब 100, 4% निकाले। कितने बार में कटेगा? दो बार में। कितने बार में कटेगा? दो बार में। आंसर क्या आएगा? दो। प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका जिसे कि हम आम तौर पर ट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रिक, लेकिन वो होता नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। उससे ज़्यादा आसान यही होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रिक कहते हैं। जैसे मुझे पूछा गया 50 का 4% क्या होगा, सेम क्वेश्चन वही है, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि 50 का 4% क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 50 का 1% क्या होगा। 50 तो अपने आप में 100% है ना, इसका 1% क्या होगा। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 50/100 क्या हो जाएगा, 0.5 निकलेगा यहां से, 0.5 1% निकल गया 0.5। अब ये क्या है, 4% पूछा गया है, तो गुना 4 = 2.0 = 2 आंसर। तो किसी भी तरीके से हम इसके साथ अनुप्रयोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ अगर समझ में ना आए तो जब हम क्वेश्चंस में चलेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है बहुत लोग जीरो से हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा, थोड़ी सी डिफिकल्टीज उनके लिए हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आगे जब हम लोग चलेंगे तो जादू हो जाएगा। हम सिर्फ इसका उपयोग सीखें, ठीक है। अब शब्दावली के साथ इसका उपयोग, शब्दावली के साथ इसका उपयोग हम क्या समझे, प्रतिशत क्या है, संख्या के साथ इसका संबंध क्या, हम समझ चुके हैं। अभी अनुप्रयोग करके देख चुके हैं हम कि संख्या के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि शब्दावली के साथ इसका उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हम सीख रहे हैं, याद रखें, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये समझ लेने के बाद सॉल्यूशन आप खुद से भी कर सकते हो, अगर समझ में आ गई तो। नहीं आए तो सॉल्यूशन के बाद समय ही ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ओके। तो शब्दावली के साथ उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन रहता है इस तरीके से, शब्दावली उसमें, मतलब शब्दावली में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स जो यूज होते हैं ना, बहुत स्टूडेंट के समझ से बाहर होते हैं, समझ से परे होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि शब्दावली के साथ इसका उपयोग क्या है उसको समझते हैं। तो शब्दावली के साथ इसका उपयोग कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से, कोई संख्या अपने 40% से 20 अधिक, अब कोई संख्या अपने 40% से 20 अधिक है। ये क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व करने के लिए नहीं लिया, मैंने ये समझाने के लिए लिया है, ये कह क्या रहा है, समझना है इसको, कूल माइंड करना है, शांत दिमाग रखिए, उसके बाद समझने का प्रयास। क्या खेल खेल रहा है ये मेरे साथ, कोई संख्या अपने 40% से 20 अधिक है, हर एक संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%, कितना परसेंट होता है, 100%। क्या बोल रहा है, ये 100% अपने 40% से कितना 20 अधिक है, मतलब 40% से अधिक, जितना भी अधिक होगा वो 20 है, तो 40% से अधिक कितना अधिक, संख्या जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, 60% बच जाएगा ना, किसी भी संख्या में 40% है, ठीक है, 40% दिया हुआ है, उससे अधिक की बात की जा रही है, तो 40% से अधिक क्या हो जाएगा, 60%, क्योंकि 100% होता है संख्या, यहाँ 40% दिया हुआ है, अधिक कितना है, 60% अधिक है, और यहाँ अधिक कितना है, ये 20 अधिक है, ठीक है, मतलब उसी संख्या का 60% बराबर 20 है, तो इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 20/60 होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हमको अगर संख्या पूछा जाए तो डायरेक्ट 100% निकाल लेंगे, अगर संख्या नहीं पूछा गया तो क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो भी पूछा जाएगा उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए 100% बराबर, 100% क्यों निकाल रहे हैं,
क्योंकि संख्या क्या है 100% होती है। अगर उनको 100% का वैल्यू पता चल जाए तो संख्या पता चल जाएगा, 20/60 × 100 कटेगा तो कटाओ 1 3, अब नहीं कटेगा 100/3, इसको और करो तो 33 × 1/3 संख्या क्या है, यही वो संख्या है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, देखें कैसे इस संख्या को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो हम शब्द के साथ, शब्दावली के साथ इसका उपयोग सीखे, इस शब्दावली के साथ ही हम कैसे खेल लें, ठीक है। अगर शब्दावली के साथ हमें खेलने का मन नहीं है तो आते हैं हम उसको इक्वेशन को, मतलब क्वेश्चन को समीकरण में बदलते हैं, क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई संख्या अपने 40% से 20 अधिक है, जो कह रहा है वही लिख दो। माना, पहले मान लो माना संख्या बराबर है, माना संख्या बराबर x मान लिए, दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये x जो है अपने 40% से, पहले x का 40% तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, x का 40% पता चल गया ना, क्या x का 40% इससे कितना अधिक है, प्लस है, अधिक है ना, कितना अधिक है तो 20 अधिक है, तो 20 लिखे यहां, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये अपने संख्या के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये x का 40% से वो संख्या जितना अधिक था उतना हम यहाँ जोड़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये x ही क्या है, मेरा संख्या है, यानी कि क्योंकि मैं क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, इस x को ही संख्या मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये 40x/100 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, x गुना 40/100 प्लस 20 बराबर एक्स, और सॉल्व करो 2 2 5, कोई दिक्कत है नहीं है, एक्स को इधर लेते आते हैं, 20 को उधर, या फिर क्या, जैसे मर्जी हो वैसे कर लो, या फिर इसको 2x/5 + 20 बराबर एक्स है ना, तो इसको ही उधर लेके चले जाते हैं हम लोग, तो भी सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो एक्स उधर है पहले से, माइनस ये प्लस में था ना, इसको भी उधर लेते चले जाते हैं, क्या जाएगा, -2x/5 = 20, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ताकि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम इधर करते हैं, इस साइड में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम इस साइड में कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो क्या जाएगा, 5x, एलसीएम लेंगे 5, तो 5x - 2x/5 = 20, ये कितना जाएगा, 3x/5 = 20, इसको और सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा, डायरेक्ट कर दे क्या, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, सेम आएगा, x = क्या जाएगा, 33 1 3, ओके, इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 3 नीचे आएगा, फोटोन में सोचेंगे फिर से वही काम होगा, तो दिक्कत नहीं है। तो हम आज सभी तरह की चीजों को सीख चुके हैं, ठीक है, कुछ और चीजें ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर कल से हम बुक के सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। पर डे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ जो आएगा हमेशा आएगा, क्या, पहला नंबर, पांच 20 का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व करना है, तो 20 का मान लगे 20 का x% बराबर क्या, 5, 20 का कितना प्रतिशत, कितना की जगह पे x रखे, बराबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्यों पूछ रहा है, 5 के बारे में पूछ रहा है, ये 20 का कितना प्रतिशत है, तो 20 का x प्रतिशत मान लिए बराबर क्या होगा, 5, अगर 5 हमको पूरा करना है तो x के जगह पे कुछ ना कुछ परसेंटेज आना चाहिए, 100% तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 20 ही अपने आप में 100% है।
20 का x परसेंट x बटे 100 बराबर क्या होगा, 5 होगा। कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर क्या 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, ये कितना परसेंट होगा, 25% होगा। तो दिक्कत नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं देखते हैं। कि 20 अपने आप में कितना परसेंट, 20 अपने आप में कितना परसेंट, 100%। मतलब 20 का कीमत मान लेते हैं, 20 का वैल्यू 100, इसीलिए 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/20। 20 का वैल्यू 100, इसलिए 1 का वैल्यू 100/20, इसलिए 5 का वैल्यू क्या जाएगा, 100/20 क्रॉस 5। ये कितना कैसे कटेगा, 5, ये कितने बार में कटेगा, सॉरी 25 नहीं था, 20 था, ओके। कितने बार में कटेगा, 4, ये कटेगा 25, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25%। यहाँ ध्यान दें, 20 अपने आप में 100% था, 1 अपने आप में कितना परसेंट हो जाता है, 5% अगर कटाएंगे तो 5 अपने आप में क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो 20 के रिस्पेक्ट में। अगर सेपरेटली बात करेंगे और ये 20 नहीं रहता, पूछता 5 अपने आप में क्या है, तो 100%, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 20 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका वैल्यू चेंज होगा, तो दिक्कत। हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस दुनिया में किसी भी प्रकार की ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रिक खेलते रहे ना, ट्रिक तो लिख के ले लो, ठीक है, जिंदगी भर ट्रिक खेलते रह जाओगे, लेकिन मैथ में कभी अच्छा नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर ट्रिक तो अपने दिमाग के ऊपर है, ठीक है ना, कभी भी बुझा सकते हैं, दिमाग शार्प है, ट्रिक अपने आप आएगा, किधर से भी आ सकता है, ओके। इस तरीके का प्रॉब्लम है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कुछ भी पूछा, जब क्वेश्चन ही है ना, कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा 4% 8% का, 4% 8% का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, पूछ दिया, कुछ भी पूछना था, सिंपल सा दिख रहा है, 8% भी अपने आप में 100% होगा, ठीक है। और यहाँ 4% किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 8 के रिस्पेक्ट में, 8 अपने आप में, 8% अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है नहीं, तो 8 का आधा कितना, 4% की बात की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। क्यों, हम कैसे निकाल लिए, क्योंकि मेरा माइंड शार्प है, हम समझ चुके हैं, मेरे पास इसका क्या है, थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या किए, आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको बना भी सकते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, या फिर 8 का परसेंट का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं 8% का x प्रतिशत, 8% का x प्रतिशत बराबर क्या, 4%। इक्वेशन सेंड कर, मतलब मैं बदल दिए, पहले तो हम प्रतिशत को समझ लिए, उससे भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दूसरा संख्या के साथ इसका उपयोग करके भी निकाल सकते हैं, तीसरा शब्दावली के साथ इसका उपयोग के साथ भी हम निकाल सकते हैं, चौथा क्वेश्चन को समीकरण में बदल के निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन को क्या किए, हम समीकरण में बदल दिए, शब्दावली का उपयोग कर चुके हैं यहाँ पे, अब इसको हम समीकरण में बदलेंगे, कैसे, 8% मतलब 8, प्रति मतलब बटे, सत मतलब 100, दिक्कत, का मतलब गुना, x प्रति मतलब प्रति, स मतलब 100, सत, ठीक है, इसमें भी 4 प्रति सत मतलब 100। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 100 गया, ये कितने बार में, 2 बार में, ये कितने बार में, 50 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 उधर जाएगा तो 50, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंपल सा दिख रहा है ना, 8% भी अपने आप में 100%, कुछ भी चीज है, हम भी है ना, तो अपने आप में 100% है। अभिषेक क्या है, अपने आप में 100%, अभिषेक का अगर एक हाथ नहीं होता फिर भी वो अभिषेक ही होता, अभिषेक होता तो वो अपने आप में 100% होता, ये मार्कर है तो ये अपने आप में 100% है, अगर इस मार्कर में इंक नहीं है तो भी ये मार्कर ही है,
ठीक है। दूसरा मार्कर वो अपने आप में 100% होगा, इस मार्कर के लिए नहीं, वो अपने आप में 100% होगा। समझ में आ रही है? उसी तरह का बात यहां पे होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक और बात ले लेते हैं, पांच की बात करें, अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%, ठीक है। 10, अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%। 20, ये अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम सीखते हैं चीज, किसी भी चीज को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वैसे एक बात बताना था, मेरा कैमरा के सामने एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है, ये मेरा पहला क्लास था जो कि मैंने कैमरा के सामने लिया। इससे पहले मैंने जितने भी क्लासेस लिए वो ऑफलाइन लिए, तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जो कि मैं कैमरा के सामने मैं क्लास ले रहा हूँ। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, जैसे कि बोलने में, एक्सप्रेशन में, या फिर कभी ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है, चलने लगते हैं, चलते रह गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज के लिए नज़रअंदाज करें, क्योंकि हम फिर से कल सुबह 6 बजे आपके लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और कल की क्लासेस का इंतज़ार करें। थैंक यू, बाय।